भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहीदों के सम्मान में शुरू की गई तिरंगा यात्रा को चरखी दादरी में करने के लिए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक कर विचार साझा किए गए। बैठक में हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट पहुंची और पार्टी के कार्यकर्ताओं से तिरंगा यात्रा का आयोजन करने के संबंध में सुझाव लिए। यहां आपको बता दें कि 14 दिन तक चलने वाली तिरंगा यात्रा की शुरुआत भिवानी के लोहारो कस्बे से की गई थी, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल रहे थे। भाजपा नेताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने को लेकर काफी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ प्रदेश में किसान आंदोलन बड़े स्तर पर चल रहा है, तो वहीं इस दौरान भाजपा के लिए तिरंगा यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। इस मौके पर हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, तो वहीं उससे पहले 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में शहीदों के सम्मान में यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि आज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से इस संबंध में सुझाव लिए गए हैं। हालांकि अभी तिरंगा यात्रा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। देखिए, ये हमारे जो तिरंगा यात्रा के लिए हमने किया और 1 से 14 तारीख तक तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जाएगी और चरखी दादरी की जो है जिम्मेवारी मुझे दी गई है, तो ये शहीदों के सम्मान में ये यात्रा निकाली जाएगी कि 1 से 14 तारीख तक, ताकि 15 अगस्त को हमारे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर तो सभी जश्न मनाएंगे, लेकिन हम 1 से लेकर 14 तक ये है कि पूरे देश के अंदर जोश के और जनून के साथ उनको याद किया जाएगा और उनका सम्मान के तौर पे ये यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के लिए क्या डेट फाइनल की गई है? अभी डेट फाइनल नहीं की है, अभी डिसाइड करेंगे सब बैठ के, एक तैयारी के साथ और पूरा आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद सबका चाहिए होगा और एक सम्मान में, शहीदों के सम्मान में बहुत एक भव्य रैली की तरह हम लोग ये यात्रा निकालें और जश्न के साथ पूरे जोश। बैठक में फिर क्या बातचीत हो पाई? देखिए, बातचीत अभी सबसे सबके सुझाव लिए हैं और सबके सुझाव के साथ ही आगे हम तैयारी करें। किसान भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, देश के अंदर जितने भी हमारे शहीदों ने जो बलिदान किया है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि उनके हम यात्रा निकालें और उनको याद करें और उनका सम्मान में हम ये यात्रा निकालें। तो किसान आंदोलन को लेकर बात की जाए तो किसान आंदोलन पर क्या कहें? सभी निकाल सकते हैं और सबको अपना हक है और ये देश के हम सबका है, हम सबके मिलके ये जो है देश के सम्मान में हम मिलके सब काम करेंगे तो और अच्छा है। वहीं बैठक से पूर्व बबीता फोगाट को एक बार फिर से किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा और किसानों के द्वारा उनके चरखी दादरी पहुंचने पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। तो वहीं मीडिया द्वारा किसानों के भाजपा नेताओं के विरोध करने के सवाल पूछे जाने पर बबीता फोगाट के द्वारा कहा गया कि सभी अपना कार्य कर रहे हैं, वे अपना कार्य कर रही हैं और किसान अपना कार्य कर रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों पर सरकार से बातचीत शुरू करने के सवाल पर बबीता फोगाट के द्वारा बताया गया कि समाधान बातचीत से ही निकलेगा और सरकार के द्वारा बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए हैं। जब भी किसान बात करना चाहेंगे, सरकार बात करेगी। कि वो उनकी सोच है, उनका उनका काम है, हम अपना काम करेंगे। हम अगर उनका काम हम करने लगे तो हमारा काम कौन करेगा? देखिए, वो तो सरकार बातचीत से ही समाधान निकालेगी और सब चीजें बातचीत से ही समाधान निकलेगी। अगर किसी को देखिए, कानून जो है वो कोई एक आदमी नहीं बनाता, कानून जो है वो सब लोगों के सुझाव के साथ, सबके सहयोग के साथ। आज हमारे संसद के अंदर जितने भी जो पार्लियामेंट के अंदर जितने भी एमपी गए हैं या चुन के गए हैं, जनता ने चुन के भेजे हैं, जनता का सहयोग आशीर्वाद उनको मिला है तभी संसद में। और सब नहीं हो पा रही, 33 घंटे में केवल 8 घंटे हैं। देखिए, चर्चा हम तो देख रहे हैं कि चर्चा हो रही है, वो तो विपक्ष का काम है, वो अपना काम कर नहीं रहा। विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो अपना एजेंडा और अपना काम छोड़ के वो और ही काम में लगे हैं, और ही धुन में चढ़े हुए हैं, तो उनका अपना काम करना चाहिए, जो उनका काम है वो करना चाहिए। संसद के बिल्कुल नजदीक अब किसान बैठे हैं, कम से कम अब कहीं बातचीत शुरू हो सके। देखिए, बातचीत सरकार ने तो खुले दरवाजे रखे हैं कि जब भी आपका मन करे आप आइए, आप हमारे अपने हैं और सरकार ने खुले दिल के साथ किसानों को बोला है और आश्वासन भी दे रखा है कि आप जब भी आए हम आपके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जब भी आपका मन करे तब आए। कोई अगर इस कानून के अंदर अगर किसी को डाउट है, कोई संशय है उनको लेकर, कि तो आप बताइए सरकार को, कोई परेशानी है वो बताइए सरकार। पहले तो हमने यही देखा था कि जब आंदोलन शुरू हुआ
उससे पहले हम दो तीन ही चीज़ें सुन रहे थे कि मंडियों का डर था, आज वो मंडियों की कोई बात ही नहीं कर रहा। और दूसरा था कि ज़मीन छिन जाएगी, आज ज़मीन की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो जो चीज़ जो मुद्दा लेके एक आंदोलन शुरू हुआ था तो उस मुद्दे पर रहना चाहिए और उस मुद्दे पर डिस्कस करना चाहिए।